अच्छा लगे हमारा। पहली केक जो भाभी ने चाकू रखी है वो हमारी केक से रखी है तो अच्छा लगा। और क्या कहेंगे, शाम को पार्टी बहुत तगड़ी है। पंकज भैया दे, अरे तो निकाल तो लियो पंकज भैया। ये पता है ये ब्लॉग के मारे कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, पहले तो पहले इन्हें खाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पूरी है आपकी लंबे चौड़े हस्तपुर, इसलिए इनके ज्यादा केक है। अरे बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, मुझे पता नहीं लगा इतना मिलेगा। भैया कैमरामैन शूट करे तो जंगल में जुए क्यों ना दियो ही नहीं। हां दिए तो ब्रेक प्रॉब्लम तो ले रहे हैं। आओ भैया वो खाने की हो जाएगी ना। ऐसा लग रही जैसे लूट पड़ गई। अरे और लूटेगा अभी, पहले में इतना नहीं जो मजा पहले में, फिर जी पैसा हो जाता। फिर अब देख रहे जी, अब उतनी मजे से नहीं खा रहे थे पहले से, खाई थी अब पेट भर गया। अब जी मर गया, दिल भी भर गया। हां कहां से आए आप? बेसिकली मैं दुबई में रहता हूँ, पिछले 2 साल से हम दुबई में रहते हैं। वैसे हम अलीगढ़ यूपी से ही हैं जी, और उससे पहले मतलब फादर रहते हैं वहाँ पर, कोई बिजनेस करते हैं। हम एयर इंडिया में थे, मतलब दुबई जाने से पहले मैं एयर इंडिया में था, T3 एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली वाला जी। तो हमारा गुड़गांव में हमने अपना उसके बाद सेटल वेटल कर लिया था, लेकिन बाद में वाइफ की पहले जॉब लग गई दुबई में, तो फिर वो वहाँ पर सेटल हो गई एंड उसके पीछे पीछे मैं भी सेटल हो गया वहीं पर जाकर। अच्छा तो वीडियो जैसे आपका यूट्यूब चैनल चला रहे हैं? हाँ यूट्यूब चैनल अभी 6 महीने पहले हमने स्टार्ट किया है। किस नाम से करना बताएं? हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एक है एक्सप्लोरिंग दुबई जिसमें हम दुबई को एक्सप्लोर करते हैं, और जो मैं अपनी वाइफ के संग मस्ती करते हैं या प्रैंक वीडियोस जिसे बोलते हैं हम वो बनाते हैं। उसके अलावा हमारा एक ब्लॉग चैनल है द ठाकुर्स के नाम से। दीदी भी हैं साथ में, इनकी वाइफ हैं। और कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है संध्या राणा। संध्या राणा, तो यहाँ पे आके कैसा लगा? अपनी मिट्टी अपना गांव, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा देश मेरा वतन, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, जब अपने देश वापस आते तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों को देख के नहीं लगता कि आप लोग दुबई रहते, दुबई रहते एकदम बिल्कुल हाव भाव नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल। जो भैया ने हमको बताया, दिखाओ दिखाओ, जब इन्होंने बताया कि दुबई से आए हुए हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल सादा सिंपल। 26 साल अपने देश में रहे हैं, 2 साल का दुबई हमें चेंज थोड़ी कर देगा। वीडियो जैसे पहले से आपने देखी, जब वायरल हुई थी तब देखे या अभी आपने देखना स्टार्ट किया? मैंने वीडियो जब वायरल पहले हुई थी वो ही वीडियो देखी थी। अच्छा अच्छा, और पहले भी देखी थी अभी भी देखी? शुरुआत में वायरल हुई थी तब देखी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ रहते हैं या क्या है, एड्रेस वगैरह हमको कैसे मिला। रूबी ऑफिशियल ब्लॉग्स करके आपने देखा होगा, इनके अभी रूबी दीदी आई हुई हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत मेहनत करती हैं। आज की डेट में आदमी कहता है, आज दीदी आ जाइए, आदमी कहता है कि हम लड़के हैं क्या करें। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत दिनों सपना था आपसे मिलने का, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप इतनी दूर दूर जाती हैं वीडियो बनाने की, बहुत मेहनत करती हैं आप, बड़ी बात, तो दिल से आपको सलाम की इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं। और वो कहीं ना कहीं वो मुकाम भी आप हासिल कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे हैं वो कहते हैं हम कहाँ जाएं, ज्यादातर मैसेज दीदी हमारे में यही आते हैं कि हम लड़के ये क्या करें, हम ही कहते हैं लड़के छोड़ो लड़कियों देखो लड़कियां कहाँ निकल रही। अरे मैंने इनका वो गया वाला देखा, लिटरली हैट्स ऑफ, गया तक जाना वो भी जिस तरीके से गए थे, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही तो कह रहे हैं, और कुछ सीखने को मिले तो रूबी दीदी के चैनल पर जाइए, इनसे सीखिए हार्ड वर्क क्या होता है, वीडियो के साथ साथ बहुत ज्यादा परिवार चलाना, बहुत कुछ मैनेज हो जाता है, बहुत कुछ करते हैं, तो कुछ सीखिए यार। खामखाम कहते हैं हम लड़के हम क्या करें, लड़के जब लड़कियां कर सकती हैं तो खामखाम फिलहाल बनती मत करो। दीदी क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं भैया, देखो जब हम जैसे भैया ने बोली गया जी गए, कुछ बहुत गलत कमेंट आए नेगेटिव, लेकिन हम थोड़ा तसल्ली रखे हैं, हम ये सोच रहे हम अपने बाबा बहुत मानते हैं, वो काम वो नहीं कर सकते, वो आपको करते हुए देख रहे हैं ना, इसलिए वो डिप्रेस हो गए, वो आपको गलती करके आप तो इसलिए वो करते हैं कमेंट कि आप पीछे रह जाएं। और जो आज यहाँ पे इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यानी भैया दुबई से आए दोनों लोग, वो कहीं ना कहीं इनका पूरा श्रेय इनको जाता है, आगे बढ़ाने का सपोर्ट जो इन्होंने किया भाई आज की डेट में कोई नहीं करता है। सबसे पहले वीडियो हमने बनाया था यहाँ पे
जो बहुत तेजी से चला, उसके बाद ही सब लोग जाने, ठीक है। तो भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, अब एक रिश्ता अलग बन गया इन लोगों से, जैसे अब लोग सब लोग आने लगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको पकड़ लिया, वीडियो बना के डाल दिया, खुशी मिल रही है आपको चेहरे से, आपको लग रहा है ये बिल्कुल फ्री थे, छत पे आराम से बैठे थे, जितना भी लोड है आप पूरा संभाल रहे हो। तो ऐसे बहनोई सबको दे भगवान जो आप कर रहे हो, नहीं बहुत अच्छे हैं, मतलब जो इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, जितना भी गए तो अच्छा लगा, और लोग आ भी रहे हैं काफी दूर दूर से आ रहे हैं, आपके यहाँ जितने लोग आए सब आपके ही आए, बिल्कुल आपके आए, और मतलब उनका पूरा स्वागत है। हाँ स्वागत कर दिया, बिल्कुल लोग हैं तभी तो आए हो, बिल्कुल कहीं जा सकते हैं, तो अभी तो शाम दूर है, अभी जो जो भी लोग आएंगे मिलवाएंगे उनसे, तो बने रहना वीडियो। भैया और आए गोल्डन बॉय, आ जाइए भैया, ये देखने में ऐसे लगते हैं और जब ये पूरा तैयार होते हैं भाई, समझ में नहीं आता कि यही है। कैसा लगा आपको यहाँ के भैया? बहुत अच्छा, और आप सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मैसेज किया था, मुझे पता नहीं चला, तो देखिए ऐसा मैसेज बहुत आते हैं, पता नहीं चलता, तुम बात नहीं, कट करो कट करो, कहानी बना देते हाँ। अच्छा सबसे पहले हम रूबी दीदी को सॉरी बोलेंगे, इनका मैसेज हमने सीन नहीं किया, इन्हें रिप्लाई नहीं, अब दीदी तू रान दे, कोई नहीं मेरे बड़े भैया, कोई दिक्कत नहीं। और भाई भाभी जी की एंट्री होगी, हल्के हल्के पैरों से ताली बजाओ भाई, ये हैप्पी बर्थडे बोलो सबको, हैप्पी बर्थडे, आप सबको मिलवाती हूँ। तो ये गोल्डन बॉय, ये भैया उस दिन आए थे, आप लोगों को मिलवाया था, हमारे पंकज भैया और हमारे पंकज भैया हैं ये भाई, आए हैं आज के वगैरह, इग्नोर करना आवाज थोड़ी आ रही है, आए हैं भाभी का केक कटेगा, काफी लोग आए हैं, अभी आ भी रहे हैं, तो भाभी मिलवा रही हैं बारी बारी से, अभी थोड़ा हिचकिचास ही रही हैं, तो आप समझ लीजिए सब जितने भी यूट्यूबर हैं, और भैया दुबई से आए हैं, ये वाइफ इनकी, तो रूबी दीदी को आप जानते हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं, तो सभी लोगों से आप समझ लीजिए, ठीक है, भाभी बता दी सबको, थोड़ा थोड़ा ऐसे समझा दी, सभी लोग आए गए तो मिलने, सब लोग आए हमको मिलने, ये भैया आए हैं दुबई से, बहुत दूर से आए हैं भाई, मुझे इतनी खुशी हो रही है इनसे मिलकर, बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप जो भैया बोला है भाई, हम तो केक कटवा चुके हैं, ये ले जा रहे हैं, जितिन भाई साहब हमारे आगे निकल गए, तो यहाँ मिल गए हमको राहुल भाई, और भाई भाई कैसे हो? बस बढ़िया है। तो अभी अब जा रहे हैं? हैं? वृंदावन गया था, अभी आया हूँ। अच्छा अच्छा, आप दर्शन खूब कर रहे हैं इस समय? हाँ। भाई अभी हम जा रहे हैं वहीं घर, केक ले लिए, जितिन भाई साहब भाई निकल गए आगे, हम आ रहे थे बाइक से, तो भाई मिल गए, भाई बोले चलो इससे चलते हैं, चलते हैं भाई घर पे, ऑनलाइन गया था जोमेटो से केक, क्या ये आए, फिर बोले केक, हमने कहा चलो भाई दिलवा लें, जस्ट अभी तो हमने बाइक खड़ी करी है, दोनों लोग अभी हम बर्तना से आए, हम दोनों लोग बर्तना से आए, तो बोले केक, चलो ठीक है हम क्या दिलवा लें केक तुम्हें, लो भाई अपनी अमानत, अरे लो तो पकड़ो तो इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बार भाभी की हालत, बहुत बढ़िया कर दी यार, देखो बहुत बढ़िया, गुप्ता जी के केक की ऐसी हालत कर दी यार, छत पे इतने लोग आ गए, जितने भी आ रहे सब छत पे ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे जहाँ वीडियो वगैरह शूट हो रहा है वहां पर तो जगह ही नहीं है, तो अभी आने वाली है शिवानी और संजना यदुवंशी भी आने वाली है, शायद कुछ ही क्षण में पहुंचने वाली है, राइट है ना, हाँ, तो भाई भीड़ तो मतलब बेकाबू हो गई है, राहुल भाई जल्दी कहीं चले जाते, भीड़ तो बेकाबू हो गई है, सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे, पता कैसे चल गया इतने लोगों को, भाई लोग खाने पोस्ट डाल दी थी बस, तभी आप कैमरा फेस नहीं कर रहे, अभी हम आपको दिखा, देखो वहाँ पे ये देखो वहाँ पूरा बंद करके रखा, देखो कितने धूप की वजह दिख रहा कितने लोग ये, अरे छोड़ो ये बताओ पहले, कट कैमरामैन कट, ये बताओ शिवानी कितनी देर में आ रही है? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे लगे, आधे घंटे का वेट करो, और संजना यदुवंशी भी आ रही है, वो तो आ चुकी है बर्तना, वो कह रही है कि 5-10 मिनट में आ रहे हैं, आ रहे हैं,
तो भाई ब्लॉग आज का इतना ज़्यादा खतरनाक होना, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर आने वाले हैं और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा वीडियो में, जो नहीं सोचा था वो कुछ देखने को मिलेगा। लाल भाई साहब की हो गई हवा टाइट, बहुत ज़्यादा बहुत कर रहे हैं है? रील्स बना बना के जितने भाई ब्लॉग शूट नहीं हो रहे उससे ज़्यादा रील्स बन रही है। तो भैया अब तक इतनी मेरे साथ में अब तक इतनी रील नहीं बनी जितनी आज बन रही। आपको पता नहीं था, नहीं दो चार बाउंसर रख लेते फिलहाल। भाई वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है तो बने रहो वीडियो में। अभी शिवानी कुमारी आ रही, उनसे ही मिलवाते हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, कहाँ पे पार्टी है, बर्दना वहाँ पे सेलिब्रेशन है। मतलब भाई ने इतना सोचा नहीं था इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा, जितने आगे भाई बढ़ जाएंगे और तरक्की करेंगे तो और बड़ा भंडारा करेंगे जिसमें आप सभी को इन्वाइट करेंगे, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोग वहाँ से दुआ दे सकते हैं, वहाँ से विश कर सकते हैं भाभी को, ठीक है? प्यार बरसाइए भाई के लिए। और इनकी भी आईडी है इंस्टाग्राम पे, किस नाम से? मोनू मोनू, अरे रुको यार, मोनू यादव के नाम से, यदवंशी के नाम से, मोनू यदवंशी 22, मोनू यदवंशी 22 भर दो इंस्टाग्राम आज। और समझदार हो भाई साहब को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।